मैं अभी ऐसे कपड़े भी नहीं खाऊंगी। गुड मॉर्निंग। आर गुड मॉर्निंग सर। गुड आर यू गेटिंग माय वॉइस? गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज नहीं आ रही आपको। सर गुड मॉर्निंग सर। ठीक सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या अब आ रही आवाज आपको मेरी? हेलो, यस, अब आ रही है। इट्स ओके, इट्स ओके। चलो वी विल स्टार्ट नाउ। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है सर। दैट अभी तक हमने जो रिसोर्सेज पढ़ी हैं, दैट इज वी हैव स्टडीड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, माइनिंग रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगला पार्ट है उसका फूड रिसोर्सेज। द फूड रिसोर्सेज यू कैन सी एज ए ह्यूमन बीइंग वी नो कि फूड रिसोर्सेज मतलब है कि एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, एग्रीकल्चर हम करते हैं टू फॉर जनरेटिंग द फूड, क्या उससे भी पोल्यूशन होता है? तो दैट इज द क्वेश्चन कि भाई जो हम एग्रीकल्चर खाने के लिए करते हैं उससे भी क्या पोल्यूशन होता है? तो दैट इज द पॉइंट वी विल स्टडी टुडे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज एन आर्ट, साइंस एंड इंडस्ट्री ऑफ मैनेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। ओके, एग्रीकल्चर एक साइंस है, इंजीनियरिंग भी कह सकते हो, जिससे हम खाना प्लांट की ग्रोथ करते हैं और एनिमल को यूज करते हैं फॉर ह्यूमन यूज के लिए। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक एंड ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक, डेयरिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो ये सब पार्ट एग्रीकल्चर के हैं। एग्रीकल्चर में सॉइल से कल्टीवेट करना और कहीं पोल्ट्री फार्म करना, तो ये सब बातें हैं हम एग्रीकल्चर अपने फूड के लिए, दैट कम्स अंडर फूड रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर और सारा लाइफ स्टॉक को बनाते हैं, जो भी पोल्ट्री फार्म, अंडा वगैरह, जो भी फिश है, तो ये सब सारा फूड में आ जाता है। फूड रिसोर्सेज है तो नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन अब हमें यह देखना है कि ये जो एग्रीकल्चर है इसमें क्या हमारा पोल्यूशन होता है या नहीं होता। ओके, दैट वी हैव टू सी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, वन इज द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड अनदर इज द मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर। आजकल हम ये जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर तो काफ़ी ख़त्म हो गया है एक प्रकार से, क्योंकि ऑर्गेनिक जो कहते हैं ऑर्गेनिक कल्चर अब जो दोबारा से बनने को कोशिश की जा रही है, तो वो देख दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। और सर वो सेवन सिस्टर में हो रहा है? हैं सर, वो नॉर्थ ईस्ट साइड में हो रहा है, जहां पर बहुत कम हो रहा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। और आजकल जो यूज हो रहा है मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर, इसमें बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे को जो ग्रोथ है वो बड़ी फास्ट चाहिए, हम पैसा कमाना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, तो दिस टेक्निक्स वी आर यूजिंग मॉडर्न और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर। ओके, मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है? मॉडर्न एग्रीकल्चर में वी यूज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड वाटर टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ सिंगल क्रॉप। दिस इज मॉडर्न एग्रीकल्चर। वी यूज एडवांस्ड इक्विपमेंट, वी यूज फर्टिलाइजर्स, वी यूज पेस्टिसाइड्स एंड वी यूज एक्सेस वाटर। ओके, तो ये दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न एग्रीकल्चर। एडवांस इक्विपमेंट यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे और बहुत ज्यादा पानी यूज करेंगे और एक सिंगल क्रॉप को जनरेट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर। जब जैसा कि ये जब एडवांस इक्विपमेंट यूज करने में तो शायद कोई परेशानी नहीं है एज ए पोल्यूशन, लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज करना एक प्रॉब्लम है। तो कैसे प्रॉब्लम है? फर्टिलाइजर्स आर मटेरियल दैट आर एडेड टू सॉइल टू रिप्लेनिश द एंड एनहांस द सॉइल फर्टिलिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो फर्टिलाइजर क्या है? बेसिकली केमिकल्स हैं जो हम सॉइल में डालते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी प्लांट की ग्रोथ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजर। ओके, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ। हो रही है रिकॉर्डिंग? ओके, इट्स ओके। ओके, कहाँ गया वो? ओके,
problems of using fertilizers. Okay, fertilizers are materials that are added to soil to replenish and enhance the soil fertility to improve the quality and quantity of growth plant growth. So fertilizer में ऐसे chemicals जैसे urea, DAP हम डालते हैं तो ताकि वो soil की fertility और enhance कर दे. तो ये जब mostly fertilizer है उसमें तीन part होते हैं NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. तीन पार्ट से बना होता है कोई भी फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम. तो ये हम ऐड करते हैं यूरिया के डीएपी या यूरिया के फॉर्म में. तो ये फर्टिलाइजर ताकि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी अच्छी हो. इससे क्या होता है, ओके, दिस फर्टिलाइजर मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. ओके, नेचुरल फर्टिलाइजर are further divided into inorganic or organic fertilizer. Examples of natural fertilizers are gypsum, crushed limestone, sulfur rock, phosphate, while those organic fertilizers are manure, animal excreta and plant and humus. These are the natural natural fertilizers kya hote hain jo hame natural form mein milte hain, jaise uska example hai jaise gobar hai. Okay, that is called the natural fertilizer that plant animal excreta यानी गोबर वगैरह ये जो है that is called the natural fertilizers. Plant waste को भी हम as a fertilizer use करते हैं, that is also natural fertilizers. और humus हम use कर सकते हैं, crushed limestone, gypsum को भी use कर सकते हैं as a fertilizer. लेकिन ये सब कहलाते हैं natural fertilizer. एक होते हैं, दूसरे होते हैं synthetic. Okay, synthetic कौन से होते हैं? अब होता क्या है कि भाई अगर हम जो हम फर्टिलाइजर को डालते हैं तो सारा फर्टिलाइजर प्लांट तो लेता नहीं. ओके, कुछ रिमेन्स रह जाते हैं. रिमेन्स क्या करते होते हैं, वो नीचे सबसॉइल वाटर में चले जाते हैं फर्टिलाइजर और उसको कॉन्टामिनेट. हाँ जी सर, अंडरग्राउंड पानी में चले जाते हैं. हाँ, वही एक्सेस फर्टिलाइजर जो भी होते हैं वो यूज तो होते नहीं प्लांट के द्वारा, तो वो नीचे पानी के अंदर चले जाते हैं लीच, तो वो सबसॉइल वाटर को खराब कर देते हैं और उसको कॉन्टामिनेट कर देते हैं. और ये फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल हो. ओके, दैट इज द इशू. एक वर्ड होता है हमेशा जो हम यूज करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज में बहुत ज्यादा, वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसका मतलब आपको पता ही होगा, बायोडिग्रेडेबल मीन्स वो जो कुछ टाइम बाद अपने आप ही जो पदार्थ है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल, कैन बी ईटन बाय द बैक्टीरिया वगैरह. और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो प्लास्टिक है. प्लास्टिक का मेन जो रीजन है, जो हम प्रॉब्लम करता है, दैट इज ड्यू टू द नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी. पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, तो दैट इज जो फर्टिलाइजर है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है वो आप दोबारा से कन्वर्ट नहीं होते और ये सीधा नीचे पानी में चले जाते हैं. पानी में जाने के बाद, ग्राउंड वाटर में जाने के बाद, ये फूड चेन में आ जाते हैं. फूड चेन का मतलब क्या होता है, मतलब दीज आर अवेलेबल इन द फ्री फॉर्म में खाने की श्रृंखला जो हम बाद में पढ़ेंगे, फूड चेन उसमें आ जाते हैं. मतलब आपके खाने में आ जाते हैं ये जो आपके इतने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस. जैसे कि हमने, जैसे कि घास वास, जैसे कोई भी चीज है वो जानवर ने खाया, फिर उसको किसी इंसान ने, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन. सर, उसको किसी इंसान ने खा, इंसान भी नॉनवेज खाते हैं ना, तो उनके अंदर भी आ जाएगा. फूड चेन का एग्जांपल है एक फिश, जो एक फैक्ट्री थी. ओके, वो फैक्ट्री में क्या हुआ कि वो मर्करी को पानी में छोड़ती थी, ओके, एज ए डिस्चार्ज. तो क्या हुआ, मर्करी को फिश ने खा लिया और फिश को आदमी ने खा लिया. ओके, दैट कम्स अंडर फूड चेन. तो वहां के बहुत से लोग बीमार हो गए, जापान में ये हुआ था. तो दैट इज कम्स अंडर फूड चेन. फूड चेन में जो पेस्टिसाइड्स भी बहुत आ गए हैं, और कई ज्यादा प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट्स की नहीं है जितनी पेस्टिसाइड्स की है. ओके, इवन कहते हैं मदर मिल्क इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो भी है पदार्थ है, लेकिन उसमें भी आपका पेस्टिसाइड्स आ गए हैं आज की डेट में. दैट इज कॉल्ड द फूड चेन. फूड चेन में आना किसी भी पेस्टिसाइड का वेरी डिफिकल्ट. द मेन प्रॉब्लम विद फर्टिलाइजर यूज इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर विद नाइट्रेट्स, फॉस्फेट एंड पोटाशियम. क्योंकि
जो हम यूज करते हैं एनपीके यूज करते हैं तो वो पानी में चले गए, तो इट विल कंटामिनेट द वाटर नाइट्रेट फॉस्फेट एंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फॉस्फेट, बाकी दूसरे मेटल से मिल जाते हैं ना, नाइट्रोजन आपने डाली फॉस्फेट डाला तो उसके अंदर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, मतलब दूसरे केमिकल से दूसरे हैवी मेटल से ये रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट इंबैलेंस, जितने भी फर्टिलाइजर यूज होते हैं जैसे मैंने बोला वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम के फॉर्म में होते हैं विच आर कॉल्ड दी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द फील्ड कॉज माइक्रो न्यूट्रिएंट डिसबैलेंस। ओके, कई बार क्या होता है कि अब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं किसान लोग तो वो क्या करता है वो डेफिशिएंसी भी कर देता है दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट की। ओके, जैसे जिंक की वो डेफिशिएंसी कर देगा अगर आप ज्यादा यूज करेंगे फर्टिलाइजर तो वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो वो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल को भी नुकसान पहुंचाता है, मतलब एक्सेस नहीं यूज करना, लेकिन हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। बल्कि नाइट्रेट पोल्यूशन, ओके, अब एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अप्लाइड इन द फील्ड लीच डीप इन टू द सॉइल कंटामिनेटिंग द ग्राउंड वाटर। जैसा आपने अभी बात करी कि अगर हम नाइट्रोजन का एक्सेस यूज करेंगे तो वो पानी में चला जाएगा और नाइट्रेट फॉर्म में बन जाएगा ड्रिंकिंग वाटर में। अगर 25 मिलीग्राम पर लीटर नाइट्रेट हो जाए किसी भी पानी में तो वो फैटल बन जाता है। फैटल मीन्स इट कैन कॉज द डेथ, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए ज्यादा खतरनाक है। दिस इज कॉल्ड द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, नीले बच्चे पैदा होते हैं अगर नाइट्रेट अगर माता ज्यादा ले लेगी पानी में तो दैट इज कॉल्ड द ब्लू बेबी सिंड्रोम। और नाइट्रेट से और क्या होता है, दैट इज अनदर वर्ड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज अनदर वर्ड, ये याद कर लीजिए। जब भी हम देखते हैं जैसे किसी लेक में अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं इसका पानी, इसका डिस्चार्ज हो रहा है से जो पानी आपने फर्टिलाइजर किया, फर्टिलाइजर डाला ग्राउंड के ऊपर, वो बारिश आ गई और वो पानी सारा किसी लेक में चला गया। ओके, लेक में वो नाइट्रेट की फॉर्म में बन जाएगा। जब वो नाइट्रेट की फॉर्म में बन जाएगा तो उसमें बहुत काई वगैरह जमनी शुरू हो जाएगी। ओके, एल्गी वगैरह जैसे आप देखते हैं कई बारी कई लेक्स हरी हो जाती हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड, इसमें पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। ओके, ओवर यूट्रोफिकेशन क्या कि एक्सेसिव नाइट्रेट्स, अगर आपका बहुत ज्यादा पानी में नाइट्रेट चला गया किसी वाटर बॉडी, वाटर बॉडी माने लेक, तो उसमें जो पौधे उगने लग जाते हैं ग्रीन पौधे वो लेक को खराब कर देते हैं, तो वो जो दैट वर्ड इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। ओके, अब यूट्रोफिकेशन causes the algal bloom, algae कहते हैं algal bloom in the lake। ओके, eutrophication causes the algal bloom in the lake, मतलब हरे हरे पौधे उगने लग जाते हैं, algae बढ़ जाती है, उस लेक को खराब कर देते हैं, that is called the eutrophication। eutrophication होता क्यों है, जब आपके nutrients लेक में बहुत ज्यादा चले जाएं, then it will cause the eutrophication। the generation of blue green algae in the water body is called the यूट्रोफिकेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी इन द वाटर बॉडी, दिस इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बहुत अच्छा वर्ड है, यू रिमेम्बर इट। ओके, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन बॉडी, ब्लू ग्रीन एल्गी इन द वाटर बॉडी, दिस इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। ओके, यूट्रोफिकेशन कॉज एल्गल ब्लूम्स, ये जो लेक का गंदा होना, यू कैन सी द वो लेक हमारी खराब हो गई है, एक छोटी सी लेक है पुराना किला के पास, वो खराब हो गई है। अगर आप कभी संजय गांधी लेक है त्रिलोकपुरी में, वो भी खराब हो गई है। ओके, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा चले गए, न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर एग्रीकल्चर की वजह से तो नहीं गए, ह्यूमन वेस्ट में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स भी खराब कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉज द यूट्रोफिकेशन। ह्यूमन वेस्ट से भी होता है, हर विलेज में बहुत सारी लेक्स ऐसी हो गई है खराब। हाँ, सारी लेक्स खराब हो गई, हम तो वी आर डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस नेचर। ओके, अनदर इज पेस्टिसाइड, अभी हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजर की वजह से क्या पोल्यूशन होता है। अनदर इज पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, कीड़ा ना खा जाए। ओके, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, डीडीटी है। ओके, हम अब आगे पढ़ेंगे और कौन से पेस्टिसाइड्स हम बहुत यूज करते हैं। ओके, ये पेस्टिसाइड्स भी एग्रीकल्चर में जब हम यूज करते हैं तो ये भी एक तो पौधे को तो बचाते ही है, किसान तो इसीलिए डालता है उसकी क्रॉप की यील्ड बढ़े, उसकी उसका पौधा खराब ना पड़े, लेकिन जो उसका जो इफेक्ट है
ह्यूमन बीइंग पे बहुत ज्यादा पड़ता है, तभी हम कहते हैं कि हर सब्जी को धोके खाना चाहिए, क्योंकि दैट मे हैव द पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड किसान यूज करता है, आप इसको आप मना नहीं कर सकते। मना क्या नहीं कर सकते कि अब आपको ऐसे पेस्टिसाइड लाने चाहिए जो ह्यूमन पे अपने आप ही खत्म हो जाए, ताकि ह्यूमन पे खराब वो ना हो, कोई कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये पेस्टिसाइड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू यू कैन ओके। आइडियल पेस्टिसाइड कैसा होना चाहिए, आइडियल पेस्टिसाइड कैसा होना चाहिए, मतलब एक अच्छा पेस्टिसाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक तो वो सिर्फ पेस्ट को मारे, पेस्ट यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह उनको मारे। इट शुड हैव शॉर्ट टर्म इफेक्ट, नॉट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। ओके, इसका जो इफेक्ट होना चाहिए, ऐसे पेस्टिसाइड होने चाहिए जो मतलब उसी वक्त काम करे और बाद में वो खत्म हो जाए, मतलब बाद में इफेक्टेड ना रहे, और उनके लिए ना रहे जैसे इंसान के लिए तो खासकर, या इंसान क्या बल्कि बर्ड्स वगैरह जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए भी ये नुकसानदार ना। इट शुड बी एबल टू ब्रोकन डाउन इन टू हार्मलेस कंपाउंड इन द शॉर्ट टाइम। इट शुड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस इन टारगेट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो भी टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं, पेस्ट हैं, उनके लिए केवल खतरनाक हो और उनकी डेवलपमेंट को रोके, उनके जो उनके उनकी जो बर्थ साइकिल है उनको रोके, ना कि वो दूसरे जानवरों पे इफेक्ट डाले। दैट इज द क्वालिटीज ऑफ आइडल पेस्टिसाइड। मतलब आइडल का मतलब ऐसा पेस्टिसाइड होना चाहिए, होता ही या नहीं होता दैट इज डिफरेंट इशू, होता तो सारा उल्टा ही है। ओके, इंसेक्ट को तो कम मारता है और इंसान को ज्यादा मारता है, जैसे मॉस्किटो है। ओके, मॉस्किटो के लिए हमने आज वो बनाया दैट से मॉस्किटो कॉइल बनाई या मॉस्किटो का कुछ भी बनाया, दैट ऑल आउट हो गया सर। मॉस्किटो को तो फर्क पड़ता ही है, साथ साथ हमें भी वो फर्क हमारी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, एडवांस की जो एडवांटेज था। हां जी, मच्छरों को मारे। द सेम थिंग, ऐसा आइडियल वो है, आइडियल पेस्टिसाइड है। फर्क पड़ता है सर, फर्क तो पड़ता ही है, तो ऐसा नहीं बन पा रहा ना। पेस्टिसाइड लीव्स सेव लाइव्स ऑफ द प्लांट, इट इंक्रीज द फूड सप्लाईज एंड लोअर द फूड कॉस्ट। ये पेस्टिसाइड करता है, इट सेव लाइव ऑफ द प्लांट, प्लांट की बताता है जिंदगी। इट इंक्रीज द फूड सप्लाईज, बढ़ा देता है, एंड लोअर द फूड कॉस्ट, सप्लाई बढ़ेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इट इंक्रीजेज द प्रॉफिट ऑफ द फार्मर्स, और फार्मर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा अगर वो पेस्टिसाइड का यूज करता है। ओके, और उसको जो ऐसा पेस्टिसाइड होना चाहिए जो वो सेफ हो, फास्ट हो, सारे काम पूरे और इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। ओके, ऐसे पेस्टिसाइड का हमने चुनाव करना है, जबकि जो ऑर्डिनरी जो पेस्टिसाइड मिलते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं वो ऐसा नहीं करते। टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड, ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड। फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड दैट यूज सल्फर आर्सेनिक डाइट टू किल द ओके, ये जो फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड है। सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड होते हैं डीडीटी। ओके, पहले जो यूज करते थे किसान लोग, सल्फर डायरेक्ट डाल देते थे, एरेसनिक डायरेक्ट डाल देते थे, लेड का कंपाउंड डाल देते थे, मरकरी डाल देते थे। ओके, टू किल द पेस्ट, पेस्ट यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट को। तो सेकेंड आया डीडीटी। डीडीटी का नाम तो सुना ही होगा, इसको याद कर लो, डाइक्लोरो डाइएथेनाइल ट्रायोक्लोरोएथेन। ओके, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। ओके, फिर इसका डीडीटी का यूज बहुत ज्यादा यूज हो गया। ओके, मेरे को याद है हम छोटे थे तो डीडीटी का बल्कि घरों में तक यूज हो गया था। ओके, जो पेस्ट्स को मारने के लिए, तो ये डीडीटी इतना ज्यादा यूज हो गया था कि अब तो इसको बैन लग गया इसके ऊपर, कि वो ह्यूमन को ही नुकसान पहुंचाना लग गया था। तो डीडीटी जो है वो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए है। ये कंपाउंड है डाइक्लोरो डाइएथेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ओके, तो ये जो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन आर फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल कहेंगे मतलब हमारे शरीर में घुल जाते हैं। ये जो है इंसेक्टिसाइड्स, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन आर इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स मीन्स जो इंसेक्ट को मार सके, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मीन्स जो इंसान को पेस्ट को मार सके,
दस्टिस पेस्टिसाइड्स, अगर वो ह्यूमन साइड हो जाएगा तो ह्यूमन को मारेगा. ओके दैट, तो डीडीटी जो है इसको बैन कर दिया. ये फैट सोल्यूबल है और दिस इज बैन इन मिड 1970s. ओके मिड 1970 में बैन कर दिया था इसको, लेकिन इंडिया में बैन होते होते 10 साल ज्यादा लगते हैं. हमारे यहाँ कोई भी चीज बैन हो तो, प्लास्टिक बैन हो गया कब से, अभी 20 साल हो गए, पूरी तरह से बैन नहीं हो पाया. ओके हमारे देश में थोड़ा टाइम कम ज्यादा लगता है किसी चीज को बैन होने में, क्योंकि हम पर्सनल यूज को ज्यादा महत्व देते हैं बजाय कि सोसाइटी यूज को. तो जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर मोर रैपिडली बायोडिग्रेडेबल बट आर वाटर सोल्यूबल एंड कुड पॉसिबली कंटामिनेट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. ओके ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो भी होते हैं वो फैट सोल्यूबल तो नहीं है, बायोडिग्रेडेबल भी है, लेकिन पानी में घुल जाते हैं. ओके इट कैन पोल्यूट द वाटर. एंड पायरेथ्रोराइड्स एंड कार्बामेट्स, ये दीज आर द नेम ऑफ द केमिकल नेम्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स. ओके ये सारे पेस्टिसाइड हमारे क्रॉप को तो बचाते हैं बट हैव सारे सेवरल साइड इफेक्ट्स हैं इनके, मतलब जो हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये पायरेथ्रोडाइट, कार्बोनेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ये दीज आर द नेम ऑफ द पेस्टिसाइड्स. ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये तीन जो मैंने पढ़े ये केमिकल हैं. ओके सिंथेटिक हैं, जैसे डीडीटी सिंथेटिक है, उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, वो हाइड्रोक्लोराइड है, ये फॉस्फेट्स हैं, ऐसे कार्बामेट्स हैं, पायरेथ्रोडाइट्स हैं. ओके नाम याद कर लीजिएगा, जितने आ जाए याद रहे तो ठीक है. ओके ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस पर. बेसिकली दीज आर ऑल पेस्टिसाइड्स एंड गिव्स द प्रोटेक्ट प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, और लेकिन और पेस्ट को भी मारते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. ओके जो पेस्टिसाइड्स के नुकसान है दैट इज वो कौन से हैं, डेथ ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स. ओके हम इंसेक्ट मारने के लिए कर देते हैं, लेकिन गाय जानवर मरने शुरू हो जाए पेस्टिसाइड से तो वो गलत हो जाएगा. दैट इज डेथ ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म. हमारा जो मारना है इंसेक्ट्स को है, ना कि किसी जानवर को मारना, हमारा श्रेय उस पर पेस्टिसाइड से है. तो होता क्या है कि बर्ड्स मरने हैं, मतलब मान लो आपने पेस्टिसाइड किया, बर्ड्स ने कुछ आगे वो खाने के लिए, वो पता चला कि पेस्टिसाइड तो नहीं मरा, आपके बर्ड्स मरने लग गए. ओके दैट काइंड दैट शुड नॉट बी देयर, ऐसे पेस्टिसाइड हमें नहीं चाहिए. ओके एक बारी जो सुना है कि बीच में दिल्ली में जो बाज हैं वो खत्म हो गए थे, हुआ क्या था, दैट फूड चेन, जैसे काउज वगैरह कोई रास्ते में मर गई तो बाज वगैरह में खा लिया, जानवर कोई भी मर गया तो सारे पेस्टिसाइड्स बाज में चले गए, तो वो बाज भी बनने लग गए. तो दैट फूड चेन में एंटर हो गया कोई भी चीज तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. ओके और फूड चेन में एंटर हो चुका है, मतलब ऐसा यू कैन नॉट से कि फूड चेन में एंटर नहीं हुआ, एवरी पेस्टिसाइड्स हैज बी एंटर्ड इनटू द फूड चेन राइट नाउ. तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो पेस्टिसाइड इतने जो भी होते हैं जो वो इंसेक्ट को मारने के लिए होते हैं, तो इंसेक्ट के अंदर भी रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है उस पेस्टिसाइड से. मैंने जैसे मैंने बताया कॉइल, मॉस्किटो कॉइल्स हम यूज करते थे, अब मॉस्किटो कॉइल्स भी इफेक्टिव नहीं रहती, तो क्या होता है पेस्टिसाइड ही अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से उस पर वो इफेक्ट खत्म हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस. तो उसके लिए फिर हम सुपर पेस्ट बनाते हैं, फिर हम और खतरनाक डेंजरस बनाते हैं उसको पेस्ट को मारने के लिए, तो वो और भी नुकसानदायक हो जाता है ह्यूमन बींग के लिए. मोस्टली पेस्टिसाइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितने भी पेस्टिसाइड हैं मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब कि वो ख़त्म नहीं होते, वो इकट्ठे होते रहते हैं, मतलब वो ख़त्म नहीं होते पेस्टिसाइड्स, वो इकट्ठे होते रहते हैं, एक्यूमुलेट्स इन द फूड चेन. ओके ये नहीं डिस्ट्रॉय हो जाए. ओके दैट इज कॉल्ड द बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन. ओके तो ये जो फूड चेन में इकट्ठे जाते हैं तो ये उससे बढ़ते जाते हैं, मतलब आज मेरे बॉडी में अगर कोई पेस्टिसाइड 5 मिलीग्राम है तो वो कुछ टाइम बाद बढ़ जाएगा. ओके ये कुछ टाइम बाद बढ़ता जाएगा ना कि कम होता जाएगा. तो ये एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में पेस्टिसाइड्स, ये खत्म नहीं होते, बाहर नहीं निकलते. तो दैट कई बार ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं जो वायरस घुस जाता है तो खुद ब खुद वो बढ़ते जाता है उसका, बढ़ते जाते हैं. ओके तो ये दूसरा, दीज आर द कार्सिनोजेनिक. हर एक जो भी आप देखें जो भी चीज है वो कार्सिनोजेनिक है. कार्सिनोजेनिक मीनिंग मतलब कार्सिनोजन मीन्स मतलब
इट कैन कॉज इट कैन कैंसर ओके जितने भी आजकल कैंसर के केस हो रहे हैं उसमें मोस्टली एक कारण ये भी है कि पेस्टिसाइड का अक्यूमुलेट होना. ओके अल्टरनेट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल. ये अल्टरनेट मेथड है कल्टीवेशन प्रोसेस लाइक क्रॉप रोटेशन करो प्लांटिंग रोज ऑफ हेजिस इन ऑफ ट्री इन द इन एंड अराउंड क्रॉप फील्ड्स एंड एडजस्टिंग द प्लांटिंग टाइम्स. दीज आर द वेरियस मेथड बाय विच यू कैन यूज द इंसेक्ट्स विदाउट यूजिंग द पेस्टिसाइड. ओके एक जो बेहतर तरीका है कि जहां पर जो प्लांट इफेक्टेड है उसे हटा दो बजाय कि पेस्टिसाइड का यूज करने के. ऐसे एरिया में प्लांट ग्रो करो जहां पे ऐसे पेस्ट ना हो. ओके इंटरक्रॉपिंग करो कुछ और दूसरे मतलब नॉन ऐसे तरीके यूज करो. एग्रोफॉरेस्ट्री यूज करो मतलब पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना. ट्राई टू डू दैट. ओके आजकल ऑर्गेनिक फूड आ रहा है कि दैट इज जो ताकि वो पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता. ओके आने वाले टाइम में होगा ऐसा क्योंकि खाना तो बहुत जरूरी है. ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स यूज करें जो दूसरे इंसेक्ट को खा जाएं. तो ऐसे इंसेक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं. बायोलॉजिकल पेस्ट को यूज करो मतलब चूहे को मारने के लिए कुछ ऐसा बायोलॉजिकल पेस्ट यूज करो कि भाई वो चूहा मर जाए उस डिजीज हो जाए उसे कोई चूहे को. ओके उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए. ओके जैसे एक किया था डेंगू को हटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में दे हैव डन सम उन्होंने ऐसा मच्छर डेवलप किया जो डेंगू के मच्छर को खा जाता है. ओके तो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू कि भाई बायोलॉजी को बायोलॉजी से मार दिया जाए. तो दैट कैन बी डन विदाउट यूजिंग द पेस्टिसाइड्स. प्लांट ग्रोथ करके चारों तरफ डिजीज हटा के रोटेशन करके नॉन परसिस्टेंट पेस्टिसाइड रेगुलर इंटरवल टू इंश्योर द इफेक्टिव इंसेक्ट कंट्रोल्स. द रेगुलर यूज ऑफ नॉन परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स मिले. ओके जो मतलब इन्वायरमेंट में डिजॉल्व खत्म हो जाते हैं ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज करें. सो दीज आर द वो हो रही है हमारी रिसर्च वगैरह हो रही है कि टू अवॉइड द पेस्टिसाइड्स. ओके तो ये एक पायरेथ्रीन एक अलग प्रकार का पेस्टिसाइड्स है. ये रोटेनॉइड्स है. रोटेनॉइड्स मतलब जो चूहे वगैरह को कहते हैं रोटन्स. ओके तो ये पायरेथ्रीन ये एक प्रकार का आप मान लीजिए पेस्टिसाइड है जो रोटेनॉइड्स है. रोटेनॉइड्स मीन्स जो चूहे वगैरह रोटन्स को खाता है. और ये वो ये जो वाइल्ड प्लांट से मतलब जंगली पौधों से बना हुआ है. और ये जो बायोलॉजिकल वो है पायरेथ्रीन्स जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड है मतलब इसका लिटिल हार्म टू मम्मल्स. मम्मल्स मीन्स हम आ जाते हैं मम्मल्स हैं. ओके जितने भी जानवर हैं दीज आर ऑल मम्मल्स. तो ये जो पायरेथ्रीन है कोई प्लांट है. ओके जो उसमें बनता है दैट इज एक प्रकार जंगली प्लांट है जो मतलब उसको फर्क करता है जो मतलब चूहे वगैरह कोई मार सकता है. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. ओके ये तो आपको पता ही है. ओके ऐसा एग्रीकल्चर जो पेस्टिसाइड्स का यूज ना हो फर्टिलाइजर का यूज ना हो. ओके सॉइल की फर्टिलिटी खराब ना करे एनिमल्स के लिए अच्छा हो. ओके ये सब जो बातें हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब ना करे इकोसिस्टम को खराब ना करे. ओके इसमें कोई हैम्पर ना करे दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कल्चर एग्रीकल्चर. मतलब ये सब जो बातें नहीं करें जो हमने अभी तक नुकसान पड़े तो उन सबको नुकसान को अवॉइड करने के लिए दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर. ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर हमने पढ़ा और साथ के इफेक्ट्स क्या हैं. मॉडर्न एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का यूज होता है पेस्टिसाइड्स का यूज होता है इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है रोडेंटिसाइड्स का यूज होता है. ओके किसी विदाउट टेक्नोलॉजी सब हम यूज करते हैं. ओके जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. दिस केमिकल्स स्प्रेड थ्रू एनवायरनमेंट एंड पोज थ्रेट टू एनिमल्स. ये जितने भी केमिकल्स हम यूज करते हैं ओके पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड रोटेंडिसाइड्स ये सारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और हमारी फूड चेन में आ जाते हैं और हमारी जो जिंदगी को थ्रेट करते हैं. ये सारा मॉडर्न एग्रीकल्चर से होता है. जो मॉडर्न एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज करता है ये देखेंगे. अभी हम पढ़ी चुके हैं एग्रीकल्चर इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. ओके एनिमल वेस्ट फ्रॉम फार्म्स कंटेन हार्मफुल पैथोजन. ओके
जो एनिमल वेस्ट से जो फॉर्म्स से जो हार्मफुल पैथोजन पैदा होते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट से, एग्रीकल्चर वेस्ट से एग्रीकल्चर से कार्बन डाइऑक्साइड बोला। हाँ जी तो पुराना वेस्ट हो रहा है 3378। ओके एनिमल वेस्ट जो हमारा जो रिस्क बढ़ता है जैसे बर्ड फ्लू वगैरह ये सब एनिमल वेस्ट से होते हैं। ओके ये जो एग्रीकल्चर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है ये सब ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके ये सब बातें जो है जो हाँ जी ओके तो ये सब पोल्ट्री फार्मिंग में में जो कहते हैं चिकन रखते हैं वो उससे भी बीमारी फैलती हैं। हाँ हाँ जो तो ये मतलब एग्रीकल्चर करने से हमारे को खाना तो मिलता है लेकिन हमें इससे नुकसान भी है, इससे पोल्यूशन बढ़ता है, फर्टिलाइजर से पोल्यूशन बढ़ता है जो हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन और फास्फोरस जमीन के अंदर चला जाते हैं, पानी की क्वालिटी खराब करते हैं, यूट्रोफिकेशन करते हैं, नाइट्रोजन रन ऑफ से यूट्रोफिकेशन होता है। ओके दीज आर द फर्टिलाइजर से नुकसान होता है। फिर पानी का अधिक यूज करने से भी क्या होता है ग्राउंड वाटर का कंडीशन खराब होती है, पानी का अधिक यूज होगा। जो एग्रीकल्चर से क्या होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर से क्या होता है हम एक मोनोकल्चर की तरफ जाते हैं, मतलब एक ही चीज हम ज्यादा उगाते हैं जो जिससे हमें फायदा हो, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न एग्रीकल्चर। इससे क्या होता है एक ही चीज को आप उगाते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी लैंड की एक पर्टिकुलर चीज में कमी आती रहेगी और एक डाइवर्सिटी जो खत्म हो जाएगी, हम सब एक ही चीज उगाते रहेंगे तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी और इससे हमारे को नुकसान होगा, अधिकतर अधिक पानी यूज करने से भी नुकसान होता है। जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट है वो पोल्यूशन करते हैं सॉइल को, एयर को, वाटर को। ओके जैसे पराली तो इसका बहुत बहुत बड़ा एग्जांपल है। ओके दैट इज आल्सो ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट जो हम पराली नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में झेलते हैं उसकी बर्निंग को। ओके तो वो सब एक वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट से हुआ प्रॉब्लम है, एयर को पानी को तो प्रॉब्लम करता ही है, वो तो लोकल प्रॉब्लम होती है ज़्यादा। ओके एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड जो है वो तो आपको सॉइल को भी खराब करते हैं, वो भी पानी के अंदर चले जाते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर तो वो भी क्वालिटी को खराब करते हैं। जितनी भी डिजीज आ जाती हैं ये सब होने से फूड चेन में आने से ये सारी डिजीज जनरेट हो जाती हैं पेस्टिसाइड्स के आने से और फर्टिलाइजर के आने से फूड चेन में, तो इकोलॉजिकल डिजीज होती है। बहुत से लोग जैसे आजकल कोरोना का एग्जाम्पल है दैट इज अ डिजीज। ओके बेसिकली ऐसे कई बार लोकल डिजीज भी होती है, आप देखेंगे कई इलाके में बहुत सारा कैंसर पीड़ित है या बहुत सारे पर्टिकुलर पीड़ित है, आप ज्यादा आयरन के कारण या ज्यादा कोई जिंक के कारण मर्क्यूरी के कारण, तो आप देखेंगे पर्टिकुलर गांव में बहुत से लोग पीड़ित हो जाते हैं एक साथ, दैट कॉल्ड इकोलॉजिकल डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती है अगर कोई पर्टिकुलर पोल्यूशन हो। सॉइल इरोजन होता है सब कुछ, विंड प्लांट, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके वाटर लॉगिंग क्या होती है, ओके वाटर लॉगिंग क्या होती है मैं ये थोड़ा समझाना चाहूंगा। इसमें जब कभी भी पानी का वाटर लेवल बढ़ जाता है किसी जगह पर पानी का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड दी वाटर लॉगिंग। ओके या आप कई बार क्या होता है बारिश में ही वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी हो गया पानी धरती के अंदर नहीं जा रहा, ओके जो जितने स्पीड से जाना चाहिए रेनफॉल एक्सेस हो गई तो पानी भर गया जगह, दैट इज ऑल्सो अगर कंटिन्यूसली आधे चार घंटे पांच घंटे की बात नहीं कंटिन्यूसली भरा रहा दैट इज कॉल्ड दी वाटर लॉगिंग। ओके वाटर लॉगिंग मतलब एक प्रकार का ग्राउंड वाटर का ऊपर आना है, ये बहुत कई जगह पर होता है कि हमारे दिल्ली में तो खैर पानी नीचे चला गया बहुत पी लिया हमने और कई जगह पे वाटर लॉक कंडीशन हो जाती है पानी ऊपर आ जाता है। ओके तो